मैं ब्यूटी टिप्स को और कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि आपा ने मैनिक्योर और पेडिक्योर करने का एक तरीका बताया था, आज मैं आप सबके लिए एक और दफा पूछना चाह रही हूँ ताकि वो एक डिटेल दोबारा पता चल जाए आप सबको। तो ईद आने वाली है, ऑब्वियसली लड़कियां फिर यही काम कर रही होती हैं, तो आपा उसका आप मैं दोबारा से डिटेल पूछना चाह रही हूं। देखो बेटा, पैर असल में पैरों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो बच्चियाँ अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल अच्छे से अच्छी चीजें पहने, लेकिन अगर कोई रिश्ता देने आ रहा है घर के अंदर, तो पता है सास हो या लड़का हो, सबसे पहले पैरों पर नजर जाती है कि पैर साफ हैं कि नहीं है। पैरों से पहचानी जाती है बच्ची की सफाई की आदत, पर्सनैलिटी बनती है। तो पैरों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप, जाहिर है आजकल तो पार्लर्स बहुत बड़े बड़े पार्लर्स हैं जिसपे मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, लेकिन बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर है कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ है आप ये काम रात में करें, अपने साथ रखें एक झावा मिट्टी का जो बना हुआ होता है जिससे हम पैर रगड़ते हैं, एक रखें आप पेट्रोलियम जेली छोटी शीशी ले लें, और एक रखें गुलाबी लिपस्टिक और कॉटन के मोजे। ये चीज़ें तो आप अपने साथ रखें। आपने एक प्लास्टिक का टब लिया, उसमें नीम का, अच्छा फिर एक शलजम लिया सफ़ेद वाला, उसको छीला और देगची में डाल के पानी के साथ उसको उबाला, फिर जब वो गल गया तो उसको मैश किया अच्छी तरह उसमें, और थोड़ा सा शैम्पू डाला, और वो पानी आप अपने प्लास्टिक के टब में डाल दें, ऐसा गर्म रखें जो आप बर्दाश्त कर सकें। अब आपने पैर उसमें अपने नाखून पहले साफ़ किए, अगर नेल पॉलिश लगी है तो नेल पॉलिश निकालें, नाखूनों को तराशें, साफ़ करें, और एक पुराना कोई ब्रश भी साफ रख लें। अब आपने पैर डिप किए और ब्रश से नाखून अंदर साफ़ किए, झावा अंदर ही रख के एड़ियों को रिगड़ा अच्छी तरह से, और टीवी देखती रहें या किताब पढ़ती रहें, थोड़ी देर पैर डिप रहें पानी में। उसके बाद दूसरे पानी से पैर धोएं, पैर खुश करें। अब आपने हथेली के ऊपर पेट्रोलियम जेली लेनी है ज़रा ज़्यादा, और गुलाबी लिपस्टिक उसमें मिला लेनी है, और एड़ी को हथेली पर रख के ऐसे ऐसे घुमाएं जैसे कलईगर, पुराने कलई नहीं करते थे, घूम घूम के ऐसे घुमाएं, तो वो जज्ब होती जाती है एड़ी में। फिर जब वो जज्ब हो जाए तो वही हाथ पूरे पैर पे मले, उंगलियों के बीच में, साइड्स पे, इधर उधर, कॉटन के मोजे पहने और सो जाए। हफ्ते में आप दो दफ़ा भी कर लो, अब जैसे ईद है मंगल की या बुध की, आप आज कर लो रात में और कल कर लो। तो मैं सच कह रही हूँ कि ईद के दिन मुमकिन है कोई आके हाथ दे दे कि पैर मैले हो जाएंगे, ज़मीन पे मत रखो। बिल्कुल, और आप जो जिनको ये प्रॉब्लम है उनकी फटाफट से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी, जिनकी एड़ियां फट जाती हैं या इस तरह के काले निशान पड़ जाते हैं पाँव पे, अक्सर हाथों पे भी, तो वो ये टिप जो है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी हल हो जाएगी।